हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आज हम बात करेंगे पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में। और जो जो मेरे भाई ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन कर चुके हैं ड्रॉ सिस्टम में, तो उनको मेल का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में। जो मेरे भाई ऑलरेडी अभी सबमिशन कर चुके हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एम्बेसी में, तो ड्रॉ सिस्टम में, तो उनको मेल का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि काफ़ी मेरे भाई है जो पाकिस्तान से भी है और इंडिया से भी है और नेपाल से भी है, जो कमेंट में ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं कि उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है करके। तो बेसिकली क्या है ना कि मैं आपको इसमें बता दूं कि बहुत से लोगों को ऐसा है कि जब आप अपना एप्लीकेशन करते हो, तो एप्लीकेशन करने के बाद में आपको जो मेल के थ्रू अपडेट आता है एम्बेसी से, जैसा हर हफ्ता जो ड्रॉ ओपन होता है, जैसा नॉर्मली सबको पता है अभी आज के डेट में दिल्ली में मंडे ओपन होता है हर मंडे, और मुंबई में हर थर्सडे ओपन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्मल है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा पहले, कि नॉर्मल ऐसा है कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन करते हैं, आपका ड्रॉ सिस्टम में नाम आ गया, अगर सेम डे जैसा आज ड्रॉ ओपन हुआ है, सपोज आज थर्सडे है, मैं मुंबई से, मैं मुंबई की बात करूंगा, आज थर्सडे है, आज अगर सपोज एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि आज अगर थर्सडे है, आज अगर ड्रॉ ओपन हो रहा है 11 से 11:20 के लिए ड्रॉ ओपन होगा, उसके बाद में आपको ये ड्रॉ का शाम तक ही मेल आ जाना चाहिए, 9-10 बजे तक के रात को आपको मेल आ जाता है अगर आपका ड्रॉ में नाम नहीं आता है, तो आपको रिजेक्शन का जो भी है कि आपका ये ड्रॉ में आपको एक अपडेट मेल आ जाता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ स्क्रीन पे कि वो मेल किस तरह होता है। तो वो मेल आ जाता है कि आपका अभी है तो ये ड्रॉ में नाम नहीं आया है, उसमें नेक्स्ट डेट आ जाता है कि नेक्स्ट ड्रॉ कब होने वाला है, तो वो डेट के लिए आप वेट करो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी किसी को ऐसा हो गया कि मेल नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अगर ड्रॉ जैसा सपोज आज थर्सडे आज ड्रॉ ओपन हुआ, आज आपको मेल नहीं आया, आपको अगर आपका ड्रॉ में नाम आ गया तो आपको सेकेंड डे इवनिंग तक के मेल आता है कि आपका ड्रॉ में नाम, आपका सिलेक्शन हो चुका है ड्रॉ में, जैसा आपका फाइल आ चुका है और आपको डेट पीडीएफ के थ्रू एक आ जाता है, आपको मेल आता है, मेल के नीचे एक पीडीएफ आता है, उसमें पीडीएफ में पेपर होता है, उसमें कंफर्मेशन होता है कि आपका कौन से डेट पे कितने बजे का अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ है करके। तो वो हिसाब से आपको वो पेपर भी प्रिंट आउट करा के अपने साथ में अपॉइंटमेंट के दिन लेके जाना पड़ता है। और अब बात करेंगे कि जैसा जिसका मेल नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो काफी मेरे भाइयों को ये डाउट है कि नहीं आ रहा है मेल, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी यानी ड्रॉ ओपन हो चुका है थर्सडे को, लेकिन थर्सडे के बजाय सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, 3-3, 4-4 दिन हो रहे मेल नहीं आ रहे, तो वो कंफ्यूज है कि अभी क्या करें ऐसे डेट में। तो ये केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल की हो, फिल करने के बाद में आपको देखिए वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइड में एक नंबर होते हैं, 19 नंबर की एक सीरीज होती है, टोटल वो 19 नंबर की सीरीज होती है बारकोड के नीचे, वो नंबर आपको अपना राइट डाउन करना है और आपको एम्बेसी में कॉल करना है। अभी पहले के जैसा नहीं है सिस्टम कि आपको एम्बेसी है तो आपका रिस्पांस नहीं देगा या कुछ नहीं, अभी इस तरह बिल्कुल नहीं है, एम्बेसी अभी बहुत पोलाइटली और अपने हर क्वेश्चन का आंसर्स दे रहा है। तो आपको जो भी चीज़ का डाउट है, पहले VFS था तो एम्बेसी बात नहीं करता था, अपन जब भी है तो VFS में एम्बेसी में कॉल करो, तो इन लोग एक ही चीज़ बोलते थे एम्बेसी वाले कि यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आप VFS में कॉल करो, वहाँ से पता करो। लेकिन अभी बेसिकली क्या हो गया है, जब से ये एम्बेसी का ड्रॉ सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो VFS से कंसल्ट खत्म हो गया एम्बेसी का, तो अब एम्बेसी पोलाइटली हर चीज का जवाब दे रहा है हमारा कि अपने को क्या करना है, कैसा करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अपने फ्रेंड की रिगार्डिंग एम्बेसी में उसकी क्वायरी थी तो मैंने बात किया था, तो एम्बेसी ने बहुत अच्छे से 15 मिनट कॉल लिए, ने वो मैडम थी एक, 15 मिनट कॉल पे उन्होंने पोलाइटली अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब चीज मेरे को, मेरे जो जो डाउट थे वो क्लियर करी उन्होंने मैडम ने।
तो अभी के डेट में जिसका जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट एम्बेसी को कॉल करो, किसी की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एम्बेसी को कॉल करो, डायरेक्ट एम्बेसी से बात करो, उनको बताओ कि मेरा करंट सिचुएशन ये है, मैं अभी इसमें क्या कर सकता हूँ। आपको नॉर्मली कॉल करना है एम्बेसी में, आपको बोलना है कि मेरा ड्रॉ लास्ट वीक ऐसा ओपन हो चुका है लेकिन मेरे को अभी तक कोई अपडेट मेल नहीं आया, मेरा कन्फर्म हुआ है अपॉइंटमेंट या मेरा नेक्स्ट ड्रॉ में गया है, मेरा फाइल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो उस केस में आपको अपना ये जो आपका फाइल नंबर है जनरेट जो होता है आपका वीजा एप्लीकेशन, फुल वीजा एप्लीकेशन फिल करने के बाद में ये एप्लीकेशन नंबर 19 सीरीज का होता है, ये आपको आपकी एम्बेसी को कॉल करके जब भी बात करोगे तो ये नंबर बताना है उनको कि ये मेरा फाइल नंबर है। तो वो वहां से चेक करके आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों आपको मेल नहीं आ रहा है, और आपका एप्लीकेशन में नाम आया, ड्रॉ में नाम आया नहीं आया, वो वहां से आपको तुरंत सेम टाइम पे कंफर्म कर देंगे। तो ये एक इजी स्टेप है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अगर जिस किसी का भी मेल नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट एम्बेसी से बात कर सकते हो। और अभी की बात करूं तो दिल्ली गेस में जो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि दिल्ली गेस में है तो काफी है, तो अपॉइंटमेंट ओपन हुए है लेकिन उसमें ड्रॉ में सिर्फ 50-55 एप्लीकेशन ही सिलेक्ट हुए, तो ये काफी कम है जो हिसाब से एप्लीकेशन फिल हो रहे है और जो हिसाब से ड्रॉ में नाम आ रहे है, ये काफी कम है, नहीं के बराबर है। तो मैं अभी भी यही बोलूंगा सब मेरे भाई लोगों को जो भी पोलैंड के लिए अभी वेट करते बैठे हैं, ये जो क्योंकि मुझे पता है ये तकरीबन जनवरी फरवरी से ये पोलैंड के अपॉइंटमेंट का दिक्कत हो रहा है और पोलैंड के जो वीजा रेशो कम हुए हैं वो जनवरी फरवरी के बाद से ही कम हुए हैं। तो अभी जो भी अब अपना एप्लीकेशन करके बैठे है वो सुकून से बैठे, क्योंकि अभी VFS का स्कैम नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन लगेगा, मिलेगा, किसी का जल्दी लगेगा किसी का लेट लगेगा, तो आप वेट कर सकते हो। और रही बात अभी पोलैंड केस की, तो पोलैंड का जो भी अभी डाटा, अभी जैसा भी कल स्लॉट जो ओपन हुए थे, अभी ड्रॉ सिस्टम कल ओपन हुआ था तो उसमें कितना फाइल हुआ तो उसका अभी तक के डाटा भी आया नहीं है। उसका डाटा जैसा कन्फर्म आएगा तो मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा कि अभी पोलैंड में कितने फाइल है तो एक्सेप्ट किया है वन टाइम में या सेकेंड वीक में और कितने एप्लीकेशन हो चुके हैं करके, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। और रेशियो क्या चल रहे हैं अभी बॉम्बे साउथ साइड के, ये भी आपको मैं अभी अगली वीडियो में कंफर्म करूंगा ये चीज़ का, एक बार डिटेल कंफर्म होने के बाद में। और जो भी मेरे भाइयों को अभी और भी कोई डाउट होंगे तो आप बेफिक्र मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और जो मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं हर किसी का रिस्पॉन्स देता हूँ, हर किसी का जो भी डाउट है, जो भी क्वायरी है, चाहे वो मुझे इंस्टाग्राम पे कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे कर रहे हो या फिर फेसबुक YouTube के कमेंट सेक्शन में, तो मैं उनका सबका रिस्पांस देता हूँ। तो आपको जो भी चीज का डाउट है आप बेफिक्र मुझसे बात कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, एज अपना आप अपना भाई समझ के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर किसी का हेल्प करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सबकी हेल्प करूंगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से मैं भी आगे आया हुआ, ऐसी प्रॉब्लम में था मैं भी कुछ टाइम पहले, और मैं भी काफी लोगों से हेल्प मांग चुका था, लेकिन आज के डेट में आपको भी ये चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि एक बार जो बंदा आगे चला जाता है ना तो वो किसी की हेल्प करने नहीं करता, तो ये चीज अच्छी नहीं है। कभी भी अपना टाइम मत भूलो कि आप कौन से टाइम से आए हैं, तो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी क्वेरी हो, जो भी जितनी हो सके मुझसे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जो भी मेरे भाई अभी पोलैंड के लिए एप्लीकेशन करके बैठे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी मेरे भाई अभी वेट कर रहे हैं, उनको दिल से बेस्ट ऑफ लक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।